हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी मानसून सीजन चल रहा है, खूब बारिश हो रही है, तो ये जो टाइम है वो किसी भी प्लांट की कटिंग को लगाने का बेस्ट टाइम है, क्योंकि अभी एनवायरनमेंट में मॉइस्चर रहता है, जो आपकी कटिंग है वो जल्दी ड्राई नहीं होती है, ह्यूमिडिटी रहती है, तो उसमें उसको रूटिंग में आसानी रहती है। वो ज़्यादा टाइम तक आपकी जो कटिंग है वो फ्रेश रहती है, उसमें रूटिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप जितना भी मैक्सिमम अपने प्लांट्स की, जो भी आपके गार्डन में प्लांट्स हैं या आपको बाहर से कहीं से लाके लगाने हैं, तो उनको आप कटिंग से अगर अभी ग्रो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसी सीरीज में मैं आपको आज जो चंपा होती है उसको कटिंग से हम आसानी से कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चंपा है, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो प्लूमेरिया होता है। मतलब कई सारी जो स्पीशीज़ हैं वो होती हैं चंपा की। प्लूमेरिया रूब्रा होता है, जो जिसमें रेडिश कलर के फ्लावर आते हैं। प्लूमेरिया अल्वा होता है, जिसमें वाइट कलर के आते हैं। और प्लूमेरिया पुडिका होता है, जिसको कि हम नाग चंपा कहते हैं। तो और एक सोन चंपा भी होता है, सोन चाफा मराठी में जिसको बोलते हैं, तो उसके भी बहुत सुंदर फूल होते हैं। तो इन सभी जो चंपा की जो सारी वैरायटी हैं, उनमें बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है और इनके फूलों में महक भी आती है अच्छी सी, और समर में ये खूब फ्लावरिंग करते हैं। और अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है और आप नर्सरी से भी अगर इसको नहीं ला सकते हैं, तो आप कहीं से भी इसकी कटिंग ला सकते हैं। रोड साइड में काफ़ी लगे रहते हैं, पार्क वगैरह में ये प्लांट बहुत मिलता है, तो आप कहीं से भी इसकी कटिंग ले लें और उसको आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जो ये चंपा है ये एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और आपने सुना होगा फ्रेंगीपानी, वो भी इसी का नाम है, इसी को बोलते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी, देखिए कि मेरा ये जो प्लांट है ये चंपा का, ये भी कटिंग से मैंने ग्रो किए थे। ये एक ही पॉट में मैंने दोनों प्लांट ग्रो कर रखे हैं, ये चंपा के ही हैं। ये शायद देसी वाला है, जो सिंपल जो क्रीम कलर का फूल आता है जिसमें, तो इसी में से मैं कटिंग लेने वाली हूँ। एक कटिंग तो मैंने इसमें से पहले ही ले ली थी, यहाँ से देखिए ये कट लगा हुआ है यहाँ से, और आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमें कटिंग लेनी है। तो ये देखिए ये वाली ब्रांच है, अगर हम इस ब्रांच को कट करेंगे यहाँ से, 3 से 4 इंच की कटिंग इसकी सफिशियंट रहती है। थोड़ी बड़ी भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट इतना जो साइज की कटिंग होती है उसमें अच्छा रिजल्ट आता है। तो जैसे हम ये जो नोड एरिया है इसके नीचे से यहाँ से इसको कट कर लेंगे, 3 से 4 इंच की कटिंग सफिशियंट रहती है इसके लिए। इस तरीके से ये देखिए ये हमारी कटिंग आ गई इसकी। अब इसको हमें लगाना कैसे है वो इम्पोर्टेंट है चंपा के केस में। तो ये कटिंग है, इसको हमें डायरेक्टली नहीं लगाएंगे तो इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि इस कटिंग को आप 2 से 3 दिन के लिए शेड में रख दीजिए कहीं भी इसी तरीके से। तो इसका जो ये नीचे का पोर्शन है, देखिए इसमें से सैप निकल रहा है यहाँ से, लेटेक्स जिसे कहते हैं ना व्हाइट कलर का, ये जो होता है ये थोड़ा ड्राई हो जाता है और इसमें कैलस फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस कटिंग को रूटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि चंपा की कटिंग जो होती है उसमें एक ही रीजन होता है फेल्योर होने का, कि उसमें फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है और आपकी जो कटिंग है वो सड़ जाती है, रॉटिंग हो जाती है इसमें। तो उसी रॉटिंग से बचने के लिए हम इस कटिंग को 2 से 3 दिन के लिए ऐसे शेड में रख देते हैं। जैसे ये देखिए ये वाली कटिंग मैंने 2 दिन पहले ही इसी प्लांट से कट की थी इससे, और ये देखिए इसका ये जो नीचे का ये बॉटम का पोर्शन है जहाँ कट लगाया था, वो आप देखिए कैसे श्रिंक हो गया है, मतलब इसमें कैलस फॉर्मेशन हो गया। तो अब हम इसको लगाएंगे तो इसमें रॉटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपको कटिंग को 2 से 3 दिन के लिए नहीं भी रखना है, मान लीजिए आप डायरेक्ट लगाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, या तो आप फंजीसाइड अप्लाई करें इसके नीचे के पोर्शन पे। अगर आपके पास फंजीसाइड भी नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ये एलोवेरा है, आपके सबके यहाँ लगभग एलोवेरा लगा ही रहता है, तो आप उसकी लीफ कोई भी कट कर लें और उसके जेल में इसको डिप करके आप लगा सकते हैं। तो इसकी जो लोअर लीव्स हैं वो आपको जो ये पत्तियां हैं वो सब ऐसे कट कर देनी है सारी, ऊपर सिर्फ आप 2 से 3 पत्तियां ही इसकी छोड़ेंगे हम, बाकी की सब कट कर देंगे। आप इसकी मिडिल वाली कटिंग भी ले सकते हैं, बट जो टिप पोर्शन की कटिंग होती है वो बहुत अच्छे से ग्रो करती है, मतलब उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो इस तरीके से अपन ये भी हटा देंगे, ये इस तरीके से आपको अपनी कटिंग
तैयार कर लेनी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको लगाना कैसे है। तो ये देखिए ये दोनों कटिंग है, ये तो मैंने दो दिन पहले कट करके रखी थी, जिसके ये देखिए यहाँ पर कैलस फॉर्मेशन हो गया है, और ये हमारी फ्रेश कटिंग है। तो जो फ्रेश कटिंग आपने ली है उसमें आप एलोवेरा जेल अप्लाई करके उसको लगा सकते हैं इस तरीके से। आप ये देखिए ये एलोवेरा की लीफ है, यहाँ से इसको ये अच्छे से जेल में डिप करके, या आपके पास एलोवेरा भी नहीं है तो आप हल्दी का पाउडर या सिनेमन पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें जेल लगाने के बाद हमें इस कटिंग को, आप कटिंग के लिए मीडिया कुछ भी यूज कर सकते हैं, आप सिर्फ सैंड में भी लगा सकते हैं, सॉइल प्लस सैंड के मिक्सचर में भी लगा सकते हैं, सिर्फ मिट्टी में भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है जिस तरह का भी मटेरियल आप उसमें इसको ग्रो कर दें। उसके बाद हमें इस तरीके से इसको इसमें गाड़ देना है मिट्टी में और अच्छे से इसको प्रेस कर देना है इस तरीके से। मेरी दोनों कटिंग में एक ही इसमें लगा दूंगी, क्योंकि मेरे पास चंपा की बहुत सारी कटिंग पहले से ही इकट्ठी हो चुकी है। तो जो दूसरी कटिंग मैंने काट के रखी थी उसको भी मैं इसी पॉली बैग के अंदर लगाने वाली हूँ। ये देखिए इस तरीके से। अब इनको हमें जो वाटरिंग में हमेशा कटिंग जब लगाती हूँ तो जो वाटरिंग में करती हूँ वो हमेशा मैं बारिश का पानी हमेशा मैं हार्वेस्ट करके रखती हूँ उसी से करती हूँ। तो ये बारिश का पानी है जो मैंने हार्वेस्ट करके रखा हुआ है। हमारे यहाँ कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है काफी, आज थोड़ा सा अभी बंद हुई है, तो मैं वाटरिंग हमेशा उसी से करती हूँ। जब भी कटिंग लगाती हूँ या नए प्लांट की सीजन में रिपॉटिंग करती हूँ तो हमेशा उसमें बारिश का पानी ही डालती हूँ। तो इस तरीके से आपको पानी डाल देना है इसमें, बट इसको अभी आपको डायरेक्ट सीधी बारिश में नहीं रखना, ओपन में नहीं रखना है, कहीं शेडेड एरिया में रख देना है जहाँ पर डायरेक्ट बारिश की बूंदे इस पे ना पड़े। और पानी इसको बहुत ज़्यादा गीला हमेशा ऐसे नहीं रखना है, थोड़ा देख लेना है कि हल्की मिट्टी आपको यूँ लग रही है कि सूखी हुई सी है, तब इसको वाटरिंग कर देनी है। ऊपर से जैसे हल्की सी सूखी दिखे मिट्टी तब पानी इसको देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला हम जब इसकी मीडिया को रखते हैं तो जो चंपा की कटिंग है वो नीचे से सड़ जाती हैं। तो इस तरीके से हमें इसकी कटिंग को ग्रो करना है। और कटिंग आपके घर में अगर चंपा का प्लांट लगा हुआ है तो आप ज़रूर उसकी प्रूनिंग करें, क्योंकि प्रूनिंग करने का देखिए कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये मेरी देखिए ये नाग चंपा की कटिंग है, ये मैंने कटिंग लगाई थी, ये यहाँ से यहाँ तक इतनी लेंथ की ये कटिंग थी। तो इसमें से ये देखिए दो ब्रांचेस निकली, आपको दिख रही होंगी वीडियो में, ये दो ब्रांचेस निकली, इन दो ब्रांचेस को मैंने यहाँ से कट किया, ये देखिए ये कट किया यहाँ से, ये यहाँ से कट किया दोनों ब्रांचेस को, तो इसमें से दो ब्रांचेस और निकली। फिर इस ब्रांच को भी मैंने कट किया ऊपर से, देखिए आप, तो फिर दो ब्रांचेस और निकली। तो आप लाइव देख रहे होंगे कि एक कटिंग उसमें से दो ब्रांच निकली, फिर दोनों ब्रांच में से दो दो ब्रांचेस और निकली, फिर उन दोनों ब्रांचेस को कट किया तो फिर दो दो ब्रांचेस और निकली। तो वैसे तो ये नाग चंपा का जो प्लांट होता है वो एकदम सीधा सीधा लंबा हो जाता है बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने देखिए इसको स्टार्टिंग से ही बुशी बना दिया है कि इसमें चार आठ ब्रांचेस नीचे से ही निकलेंगे। तो अगर आप प्रूनिंग करते रहेंगे तो एक तो सबसे पहली चीज आपका जो प्लांट है उसका जो शेप है वो मेंटेन रहेगा, दूसरी चीज उसका जो फ्रेमवर्क है जो स्ट्रॉन्ग रहेगा, मतलब जैसे बहुत बड़े हो जाते हैं चंपा के प्लांट, मान लीजिए एक सीधी सीधी सिंगल ब्रांच जा रही बहुत लंबी हो गई, और जब कभी भी तेज हवा या तूफान कुछ भी आता है तो आपके चंपा के प्लांट जनरली ऐसा होता है कि वो नीचे गिरते हैं और टूट जाते हैं। तो अगर आपका प्लांट नीचे से बुशी रहेगा, शेप में रहेगा, स्ट्रॉन्ग उसका फ्रेमवर्क रहेगा तो वो गिरेगा नहीं, वो उस हवा की जो प्रेशर है उसको सहन कर लेगा, तो ये फायदा होता है। दूसरा फायदा होता है कि नंबर ऑफ ब्रांचेज उस पर ज्यादा रहती हैं, तो नंबर ऑफ ब्रांचेज ज्यादा रहेंगी तो आपके नंबर ऑफ फ्लावर्स भी आपको ज्यादा मिलेंगे, ये भी फायदा रहता है। और एक सबसे अच्छा फायदा लास्ट में जो रहता है वो ये रहता है कि आप कटिंग करेंगे, उन कटिंग को आप ग्रो करेंगे तो आपके एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं, और आप खुद तो उनको लगा ही सकते हैं, इवन आप दूसरों को, अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, किसी को भी आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, आप दे भी सकते हैं, जिससे उनके घरों में भी फ्लावरिंग हो, हरियाली हो और फुलवारी हो अच्छी सी। तो ऐसे जो प्रूनिंग है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमको होते हैं। अब मैं आपको जो मैंने मेरे यहाँ पे चंपा का प्लांट था, देखिए ये वाला प्लांट था, तो ये मेरा चंपा का प्लांट था मेरे गार्डन में, जिसका देखिए कि कितना मोटा ट्रंक है।
तो इसमें लेकिन एक सीधी सिंगल ही ब्रांचेस थी जो काफी लंबी हो चुकी थी, और वो भी एक बार गिर गया तो वो कई बार वो जो पॉट है वो गिर जाता था हवा के कारण। तो मैंने उसको उसकी प्रूनिंग कर दी। देखिए अब यहाँ से कट किया उसको, वो इतनी लंबी थी, वो ब्रांच काफी लंबी थी, यहाँ से कट किया, फिर इसको मैंने एक पॉली बैग में लगा दिया। तो आप देखिए दो ब्रांचेज इससे निकली हैं, कितनी हेल्दी और कितनी अच्छी ब्रांचेज हैं। देखिए लीव भी कितनी अच्छी, एकदम लश ग्रीन और हेल्दी है। तो मैंने यहाँ से कट किया तो ये देखिए दो ब्रांच तो इसमें ये निकली, तो एक प्लांट तो मेरा ये हो गया। मैं आपको ये शो करूंगी कि एक प्लांट से मैंने कितने प्लांट बनाए। तो एक प्लांट तो ये हो गया, फिर ये देखिए ये इसका अपर वाला पोर्शन था, ये जो ब्रांच निकली हुई है ये वाला। तो ये और ये दो कटिंग और मैंने इससे प्रिपेयर की, तो इस तरीके से एक प्लांट से चार प्लांट मेरे बन गए। तो ये भी मैंने फरवरी में जब इसकी प्रूनिंग करी थी तब मैंने ये कटिंग्स लगाई थी। तो देखिए ये अपर पोर्शन वाली थी, तो देखिए इसमें ज्यादा अच्छी ग्रोथ है। और ये मिडिल वाली भी मैंने लगा दी थी, आप देखिए तो मिडिल वाली में भी कितनी सुंदर छोटी छोटी लीव्स आई हुई है देखिए। तो अभी मैं इनको निकाल के आपको इसका अपडेट देती हूँ कि इनमें कितनी रूटिंग हुई है। 5 से 6 महीने में ये जो कटिंग है वो आपकी बहुत अच्छे से ग्रो कर जाती है। तो अभी इसको निकालती हूँ पॉली बैग में से, बहुत हैवी भी हो रही है ये कटिंग, एक ही में 3-3 लगी हुई है। ये देखिए ये कटिंग्स हैं, अभी बहुत बारिश हो रही है तो देखिए जो मिट्टी है बिल्कुल गीली है इनकी, काफी अच्छी इनमें रूटिंग है। अभी मैंने इनको फैब में इनको लगाया था इन कटिंग्स को, ये देखिए ये कितनी रूटिंग इसमें हुई है, काफी रूटिंग है, काफी टूट भी गई हैं जड़ें, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी रेनी सीजन है तो ये प्लांट अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाएगा, दोबारा इसको रिपोर्ट करेंगे। तो ये टिप वाले पोर्शन की कटिंग है, आप देखिए तो उसमें रूटिंग ज्यादा है, मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। और जो ये मिडिल वाली कटिंग्स मैंने लगाई थी, ये देखिए ये बीच के पोर्शन है उसके, मेरे जो प्लांट था मेरा चंपा का उसको कम है रूटिंग है उसको भी, ये देखिए इतनी अच्छी रूटिंग हो रही है इसको, अभी लीव्स भी आ रही हैं और इसमें भी थोड़ी कम है लेकिन स्टार्ट हो रही है इसमें तो जस्ट रूटिंग, ये देखिए आप यहाँ पे बनेंगी रूट्स इसमें। तो इस तरीके का ये अपडेट है, तो मैं इसको आपको रिपोर्ट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पानी से इसको वॉश किया है तो आप अच्छे से क्लियरली देख सकेंगे इसकी कितनी अच्छी रूटिंग इसमें हुई है प्लांट में। तो अभी मैं इसको रिपोर्ट करूंगी, तो रिपोर्ट करने के लिए अभी तो मैंने बहुत बड़ा पॉट इसके लिए नहीं लिया है, ये 8 इंच का मेरा पॉट है जिसमें मैंने जो सॉइल मिक्स है वो इसके लिए, इसमें एक पार्ट मिट्टी है, एक पार्ट खाद है और एक पार्ट इसमें बजरी मिक्स की है इसमें। तो इस तरीके से हमें इसको रिपोर्ट करना है, थोड़ी सी मिट्टी इसमें से निकाल लेते हैं। इस तरीके से बीच में इसको हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, थोड़ा सा और निकालते हैं क्योंकि ये काफी हैवी कटिंग है, गिर जाएगी अगर इसको ठीक से हम इसके अंदर दबाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये प्लांट मेरा लग गया है इसमें पॉट में। अब मैं जब ये मेरा प्लांट थोड़ा एस्टेब्लिश हो जाएगा, अभी तो रिपोर्ट किया है तो थोड़ा शॉक में रहेगा, तो फिर से मैं इसकी ब्रांचेस को कट कर दूंगी इनको। तो ये मेरी 3 से इसमें 6 ब्रांचेज हो जाएंगी, दो 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 सब में से निकलेंगी तो प्लांट और भी बुशी हो जाएगा। फिर इसकी भी मैं जो वाटरिंग है, ये देखिए जो बारिश का पानी मैंने कलेक्ट किया है मैं उसी से कर रही हूँ, और इसको अभी थोड़ा सा 2-3 दिन के लिए मैं डायरेक्ट बारिश से बचा के सेडी एरिया में रखूंगी, उसके बाद मैं इसको फुल सनलाइट में और बारिश के पानी में, मतलब सीधा डायरेक्ट ओपन एरिया में इसको हम प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप चंपा की कटिंग इस सीजन में अगर आपके गार्डन में नहीं है तो आप जरूर ग्रो कीजिए, आप कहीं से भी लाके ग्रो कर सकते हैं, बहुत इजीली मिल जाती है, कटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपके गार्डन में ये प्लांट है और आपने उसकी प्रूनिंग अगर अभी तक नहीं की है तो आप उसकी प्रूनिंग करके उसमें से आप नए प्लांट जरूर तैयार करें। तो फ्रेंड्स आप अपने गार्डन में जो चंपा का प्लांट है उसको जरूर ग्रो करें, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और समर में बहुत अच्छे फूल ये हमें देता है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं चैनल पर अपलोड करूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपकी कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरी हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।